पैंगोंग लेक का जो रोड है हुंदर होते हुए, हुंदर से पैंगोंग लेक, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको ऑफ रोडिंग जो है वो मिलने वाला है। और ये प्यारी सी शियोक रिवर, और ये जब व्हीकल्स जब ऐसे आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। टू व्हीलर्स का तो हो गया, ओहो नो रोड्स। हमारे लिए तो रोड्स क्या हुआ, लगता है पैर में क्रैम्प आ गए। ऑल गुड, अच्छा ऐसे छोटे छोटे क्रैम्प्स आते रहते हैं ऑन द वे राइड पे। ये देखो भाई साहब का शूज क्या गीला हो गया वाटर क्रॉसिंग में, भाई साहब ने बांध दिया पीछे, अब ऐसे पैर रख के सुखाए जा रहे हैं, सुखाए जा रहे हैं। क्या सर, पानी चला गया क्या जूते में? लिया तो जूते में पानी आ गया, मेरे इसमें भी गया है थोड़ा सा, लेकिन मैनेज हो रहा है। आप तो भाई यहाँ पे ये रोड है या ऐसे ही चले जा रहे पता ही नहीं चल रहा है, पूरा सरफेस जो है वो एक जैसा ही दिख रहा है। तो अभी हम पहुंचे हैं दुर्बुक, यहाँ पे भी आपको स्टे के ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप बीच में कहीं लेट हो जाते हो या फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये आपके लिए रेस्टोरेंट के ऑप्शंस भी है और स्टे ऑप्शंस भी है। तो अभी हम लोग रुके हुए दुर्बुक में, यहाँ पे हमने थोड़ा लंच किया, वैसे काफ़ी हो गया, इट्स 4 o'clock इन द इवनिंग। तो अभी यहाँ से जो है पैंगोंग लेक जो है ये है 41 किलोमीटर्स, तो होपफुली हम एक घंटे में पहुँच जाएंगे। और अब जो है मौसम भी यहाँ का ख़राब हो रहा है, ये आप पीछे देख सकते हो हवाएं जो है वो बहुत ही फास्ट हो गई है, तेज़ हवाएं अब शुरू हो चुकी है, तो हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और पहुँचना पड़ेगा पैंगोंग लेक। देखो आदमी मेन रोड छोड़ के वहाँ से घुस रहा है,
ये पूरी धूल जो है यहाँ पे, वो हवा ही इतनी तेज़ बह रही है, रास्ते की पूरी धूल उड़ती चली जा रही है। और यहाँ पे रोड का जो है कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, वो बी केयरफुल विद दिस। आराम से चलिए, क्योंकि दुर्भुग के बाद डिस्टेंस बहुत कम रहता है पेंगोंग लेक के लिए, तो जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। आराम आराम से चलिए, रोड का मज़ा लेते हुए। राइट नाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है, जो कि ऐसे क्रॉस हो रही है, तो पूरी बाइक जो है लेफ्ट की तरफ जा रही है, बहुत ही कंट्रोल करते हुए चलाना पड़ रहा है। यहाँ पे यही होता है कि किसी भी टाइम वेदर जो है वो ख़राब हो सकता है। जब हम खाने के लिए रुके थे उस रेस्टोरेंट में, तो हम लोग पहले बाहर बैठे हुए थे, लेकिन 10 मिनट के अंदर ही वेदर इतना चेंज हो गया था कि बहुत ज़ोर से हवाएं आना स्टार्ट हो गई थी, और उसके साथ धूल भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए हम लोग अंदर की तरफ रेस्टोरेंट में बैठे फिर। और हिमालयन बाइक्स जो स्पेशली बनी हुई है लद्दाख रोड्स के लिए, आराम से निकल जाती है इन रोड्स पे। हम अपना धीरे धीरे करते हुए चल रहे हैं आगे, और आज तो हेलमेट के एंटी फॉग ने भी साथ छोड़ दिया था, इतना ज़्यादा हम लोग एयर ब्रीथ कर रहे हैं कि पूरा एंटी फॉग के साइड से जो स्क्रीन है, जो हेलमेट का शील्ड है, वो पूरी तरह से फॉग में, वो तो फॉग से पूरा भर गया था, लेकिन जो डीफॉगर है वो भी हल्का सा आँखों के ऊपर जो है फॉग में चला गया था, तो इतना ज़्यादा एयर हम ब्रीथ कर रहे थे। सो गाइस, अभी शाम के कुछ 9:47 हो रहे हैं, हम पेंगोंग लेक पहुंच चुके हैं, हम करीब शाम में 7 बजे के आसपास पहुंच गए थे। उसके बाद रूम वगैरह ढूंढने में आधा घंटा चला गया, रूम में तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ठंड है बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है, हम यहाँ से थोड़ा आगे गए थे, वहाँ पे इंटरनेट चल रहा था, लेकिन वापस हम जब यहाँ पे आए, यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है वो 3 इडियट्स वाला पॉइंट है, यहाँ पे नीचे मॉर्निंग में हम आपको सुबह में जाकर बताएंगे पूरा, क्योंकि अभी बाहर जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। खाना भी हम लोगों ने रूम में ही मंगा लिया था, आराम से ये -3-4 डिग्री अभी फ़िलहाल चल रहा है, रात में और भी नीचे लो टेम्परेचर होने वाला है, तो अभी ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। बाइक पे भी 6 बजे हमारी हालत जो है वो इतनी ख़राब हो गई थी, हाथ पूरी तरह से जमने लग गए थे। फाइनली किसी तरह हमने एक अच्छा सा होटल ले लिया है, मॉर्निंग में जो भी है वो आपको व्यू के बारे में अंदाज़ा देंगे, लेकिन पेंगोंग लेक आते वक्त अक्टूबर में अगर आप आ रहे हो तो बहुत तैयारी के साथ आना, क्योंकि अभी भी मेरे पैर, मैंने डबल सॉक्स पहने हुए, फिर भी पैर जो है वो ठंड में ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है। लिटरली यहाँ पे थोड़ी देर पहले जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसे ही हम अंदर रूम में आए आधे घंटे के बाद बारिश स्टार्ट हो गई थी, तो माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो गया है यहाँ पे। सो आज के लिए बस इतना ही, तो व्हाटसोएवर रीज़न आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी एक्साइटिंग व्लॉग में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।